आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया के इस फर्स्ट फ्री एजुकेशनल चैनल पर हम डेली आपके लिए लाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स इंफॉर्मेशन, जॉब फेयर इंफॉर्मेशन, प्राइवेट जॉब इंफॉर्मेशन, एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोज, एजुकेशनल वीडियोज और पीपीएम कैड सीएई कैम सॉफ्टवेयर की वीडियोज, और वो भी फ्री, फ्री, फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्री में ही लाते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके इसको सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा क्लिपबोर्ड पैनल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एडिटिंग पैनल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, सर्च पैनल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम लर्न करेंगे बुकमार्क्स पैनल को हम कैसे यूज कर सकते हैं। बुकमार्क्स के लिए सबसे पहले हमारे पास है ऐड। अगर मैं किसी लाइन को बुकमार्क्स के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे बुकमार्क्स ये सिंबल हमारे पास आ जाएगा। और अगर मैं किसी सेकेंड लाइन को भी बुकमार्क्स देना चाहता हूँ लाइक दिस वन, यहाँ से मैं बुकमार्क्स को शो कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके डायरेक्ट उसी बुकमार्क्स पे स्विच हो सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से नेक्स्ट कर सकता हूँ बुकमार्क्स, या प्रीवियस मुझे बुकमार्क्स लेना है लाइक दिस, यहाँ से मैं बुकमार्क्स को क्लियर कर सकता हूँ, या फिर मैं व्यू पैनल से बुकमार्क्स को शो कर सकता हूँ लाइक दिस। दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करके ही बुकमार्क्स को शो कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर द बुकमार्क्स, मैं यहाँ पे बुकमार्क्स को क्लियर कर सकता हूँ। अब हमारे पास बुकमार्क्स के अंदर कोई भी लिस्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटलाइनिंग, क्लैप्स ऑल या फिर एक्सपेंड। जो लाइनिंग्स हैं हमारी, दीज आर दर लाइन्स नंबर, इन लाइन्स को मैं क्लैप्स करना चाहता हूँ, मैं क्लैप्स कर सकता हूँ, या फिर मैं एक्सपेंड करना चाहूँ तो एक्सपेंड कर सकता हूँ लाइक दिस। इस वन नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट्स, अगर मुझे ये वाला कंटेंट शो करना है या हाइड करना है, एरर लिस्ट मुझे शो करनी है, दिस वन एरर लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी मुझे एक एरर दे रहा है, इग्नोर चेक पॉसिबल सिंटैक्स और टाइपिंग एरर FG, ठीक है, बिकॉज अभी मैंने यहाँ पे FG टाइप किया था सो डैट इन्होंने एरर दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे चेक सिंटैक्स करता हूँ, नाउ शोइंग मी द दिस एरर, यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा डायरेक्ट उसी लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको रिजल्ट को डिलीट कर सकता हूँ। देन अगेन चेक सिंटैक्स, नाउ नो एरर हैज बीन फाउंड, पहले एरर था एंड नाउ देर इज नो एरर, एंड द वन मैसेज यू हैव रिसीव्ड, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जब एरर था तो उन्होंने यहाँ पे शो किया था। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्ट, यहाँ पे हमारे पास स्टेड प्रो यूनिट कन्वर्टर है जहाँ से हम अपने यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे हमारे पास लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, फोर्स है, फोर्स पर यूनिट है, स्ट्रेस और प्रेशर है, मोमेंट है, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक फिट के अंदर देखना चाहता हूँ कि इंच कितने हैं हमारे पास, तो मैं यहाँ पे इनपुट दूंगा 1 फिट एंड इट विल कन्वर्ट इनटू 12 इंचेस। अगर मैं यहाँ पे 2 फिट करता हूँ तो इट कन्वर्ट इनटू 24 इंचेस। तो इस तरह से हम एरिया, वॉल्यूम, फोर्स सभी की यूनिट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेटर, कैलकुलेटर अगर मैं यूज करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ लाइक दिस। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग्स, चेंज सेटिंग्स, यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले लाइन नंबर्स, ये लाइन नंबर्स को अगर मैं शो करना चाहता हूँ या फिर नहीं करना है तो मैं यहाँ पे अनचेक करूँगा एंड देन प्रेस ओके, वो लाइन्स नंबर यहाँ पे शो नहीं करेगा। देन अगेन सेटिंग, डिस्प्ले द लाइन नंबर्स शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास हाईलाइटेड करंट लाइन, जो ये लाइन है हमारे पास करंट लाइन को हाईलाइट किया हुआ है, अगर मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ तो इसको अनचेक करूँगा देन प्रेस ओके, वो हाईलाइट नहीं करेगा लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ डिस्प्ले, देन प्रेस ओके, लाइन को हाईलाइट कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉन्ट एंड कलर, अगर आप यहाँ पे इनके फॉन्ट्स चेंज करना चाहते हैं, कलर्स चेंज करना चाहते हैं स्क्रिप्ट का, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं
लाइक दिस। बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सैंपल इज लाइक दिस वन, बस ओके। बैकग्राउंड का कलर भी चेंज हो गया, यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे हाई फ़ॉन्ट का साइज अगर चेंज करना चाहता हूँ लाइक दिस, अगर मेरे को रिसेट करना चाहता हूँ तो जस्ट प्रेस द रिसेट बटन एंड ओके। हमारे पास ओरिजिनल कंडीशन में हमारे पास स्क्रिप्ट आ जाएगी। नेक्स्ट प्रिंट, अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं जैसे प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन, जॉब इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें मुझे प्रिंट करनी है, या फिर प्रिंट कंपनी लोगो, लोगो भी अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा कंपनी का लोगो। सोच कीजिए मैं लोगो सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन प्रेस ओपन एंड देन ओके। अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट कमांड लेता हूँ या फिर प्रिंट प्रीव्यू करता हूँ, यू कैन सी देयर इज अ लोगो, कंपनी लोगो, एंड देन पूरी डिटेल हमारे पास यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे आप कंपनी का लोगो लगा के भी आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, या फिर मुझे प्रिंट आउट नहीं करना है देन ओके, एंड देन अगेन गो टू प्रिंट प्रीव्यू, देर इज नो लोगो। देन प्रेस द रिसेट बटन एंड देन प्रेस ओके। उसके बाद है हमारे पास दिस वन इज अवर प्रोग्राम विंडो, यहाँ से हम प्रोग्राम्स राइट डाउन करेंगे। जो भी प्रोग्राम मुझे राइट डाउन करना, मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस बार, दिस इज स्टेटस, एंड यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस मुझे शो करेगा कि प्रोग्राम के अंदर टोटल लाइंस हमारे पास कितनी बनी हुई हैं, और अभी करंट में मैं किस लाइन नंबर पे हूँ और किस कॉलम पे हूँ। लाइक फिनिश पे मैं जाता हूँ, लाइन नंबर 11 एंड कॉलम नंबर 7। अगर मैं 12 पे आता हूँ यहाँ पे, तो दिस इज लाइन नंबर 12, कॉलम नंबर 1। दिस आर दवर कॉलम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी करेक्टर्स हम लोग लिखते रहेंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे बनाता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर्स को अगर हमने यहाँ पे जूम इन जूम आउट करना है वो हम कर सकते हैं यहाँ पे लाइक दिस। तो इस तरह से हम स्टेट प्रो एडिटर को यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके इसको सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक बटन को प्रेस करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और शेयर बटन को प्रेस करके अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें ताकि जिनको भी इस वीडियो और चैनल की जरूरत है उसके पास यह इन्फॉर्मेशन इजिली पहुँच सके। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें ताकि आपके सवाल और सुझाव हम तक इजीली पहुंच सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ। तब तक बने रहें हमारे साथ।